नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नज़र इस विशेष रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के लोगों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से एलएनजेपी अस्पताल में 1500 बेड के मल्टी स्पेशलिटी ब्लॉक की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, स्थानीय विधायक शोएब इकबाल, दिल्ली गेट के निगम पार्षद आले इकबाल सहित किसने क्या कहा, सुने। आने वाले समय में जहां दिल्ली ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली का अपना एक रास्ता बनाया है, दिल्ली का रास्ता पूरा भारत अपना रहा है, जब पूरे विश्व में लोग लॉकडाउन कर रहे थे, तब दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री ने चीजों को समझा, जाना, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोरोना से साथ रहकर लड़ना होगा, उसे कोरोना के साथ रहकर पराजित करना होगा, और आज पूरा विश्व इस मंत्र को लेकर चल रहा है। कोरोना के साथ जीवन जीना है, कोरोना से बचना भी है और उसे परास्त भी करना है, हराना भी है, यही संकल्प। और उस संकल्प में दिल्ली सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संबल यहां का हॉस्पिटल का स्टाफ, यहां के सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य जो सहायक स्टाफ है, सबने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है, अतुलनीय है और अनुकरणीय है। एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए बजाएं। आपने जो किया है वो निश्चित तौर पर अविस्मरणीय है और आज का ये अवसर आपके सम्मान का भी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, लगातार कोरोना काल में जिस तरह से सक्रिय रहे हैं, उससे एक बेहतर समन्वय करके दिखाया है सभी सेवाओं के साथ। कोरोना योद्धा के रूप में आप लोग, हमारे पुलिस के साथी, हमारी सरकार के अन्य विभागों के साथी, शिक्षक, सभी कोरोना योद्धा के रूप में। और आज इस अवसर पर मेरा फिर आपसे अनुरोध, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें, यही मूल मंत्र है कोरोना को हराने का। आप ये घंटी की ध्वनि सुन रहे होंगे, ये ध्वनि संकेत कर रही है कुछ ऊंचा, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर होने का। और दिल्ली की सरकार आज यहां आपके सम्मुख 1500 नए बेड्स के साथ एक नया भवन, जिसमें सभी अंतरराष्ट्रीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी, यही सपना, यही संकल्प मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त किया जब उन्होंने कहा अपने शपथ ग्रहण के समय कि जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, पहली शिक्षा के लिए प्रार्थना, दूसरी जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, जब सुरक्षा और सम्मान महिलाओं में आत्मविश्वास जगाएगा, हर नौजवान के माथे से बेरोजगार का तमगा हट जाएगा, जब किसान का पसीना उसके घर में भी खुशहाली लाएगा, जब हर भारतवासी जीवन की मूलभूत सुविधा पाएगा, जब धर्म जाति से उठकर हर भारतवासी भारत को आगे बढ़ाएगा, तब ही अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा, शान से लहराएगा, शान से लहराएगा। आप ताली बजाने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए जोरदार ताली आप बजाएं। पूजा लगभग संपन्न होने को है और हम सब भी इस प्रार्थना में सब जहां बैठे हैं वहीं से शामिल हो रहे हैं। तो अवसर जब दिल्ली अपने चिकित्सा सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान के साथ स्थापित हो रही है, इस पूजा के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करेंगे जो डिस्प्ले बोर्ड हैं इस चिकित्सा सेंटर में। ये भवन, प्लीज आप लोग हट जाएं ताकि मीडिया अपना काम कर सके। अनावरण करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस नए चिकित्सा
सेंटर के इस शिलापट का ये अनावरण अब शिलापट का। हमारे बहुत सारे साथी कोरोना केयर में बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया है, 24-24 घंटे काम किया है, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और इस कोरोना केयर में हमने अपने साथियों को खोया भी है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स इस लड़ाई में, कोरोना की लड़ाई में राष्ट्र की सेवा करते करते अपने प्राणों को भी बलि उन्होंने दी है, तो इसके लिए भी मैं पूरी लोकनायक की तरफ से उनको बधाई देता हूं कि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर उन्होंने प्रदान की है। पर हमने बहुत सारी डिफिकल्टीज भी झेली हैं, कोरोना क्योंकि नई बीमारी थी, फिर भी हमने माननीय जैन साहब के नेतृत्व में और सीएम साहब के नेतृत्व में इसको भलीभांति से मैनेज किया है। और हमें काफ़ी सारी कठिनाई हुई हैं, हमारे यहाँ पर जो एनुअल फंक्शन था तो उसमें एक बार भारत के राष्ट्रपति साहब अब्दुल कलाम साहब आए थे और उन्होंने कहा था यदि आप किसी भी टाइम में निराश हो जाते हैं या किसी भी टाइम में डिसअपॉइंट हो जाते हैं या कभी भी आपको डिफिकल्टी आती है लाइफ में, हमारे कन्वोकेशन सेंटर में सर कहा था अब्दुल कलाम साहब ने कि मैन नीड्स डिफिकल्टीज इन द लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एन्जॉय सक्सेस इन द फ्यूचर। सो डियर फ्रेंड्स, बी रेडी टू एन्जॉय द सक्सेस एंड यू विल डिफीट द कोरोना इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू ऑल वंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल साहब, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्यन जैन साहब, यहाँ के दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब और तमाम अधिकारी और जो मेडिकल विभाग से जुड़े हुए हैं और साथ में हमारा पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ, सबको मैं एक बार बधाई देता हूँ अपनी जानिब से। बहुत बहुत आपको बधाई और मुबारकबाद हो कि आज हम लोग इस अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का ये आज पहली बार जो मैं देख रहा हूँ, शायद के ये पीछे ही मेरा घर है, इन गलियों में ही सामने डिलाइट सिनेमा के पीछे, लेकिन इस टाइप का हॉस्पिटल मैं बचपन से, एक ज़माना था कि 1980 में एक्सीडेंट हुआ था, मैं 1.5 महीना इस हॉस्पिटल में सर्जिकल वार्ड में रहा था, लेकिन अजीब सा था कि ये हॉस्पिटल कैसा है कैसा नहीं, इस तरह से अपना कि अजीब सा हॉस्पिटल लगता था। हम चाहते थे कि उस वक्त सोचते कि बढ़िया सा हॉस्पिटल हो, जीबी पंत हॉस्पिटल बड़ा प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल होता था, यदि खुदा न खास्ता कोई बीमार होता था और इसमें एडमिट होता था तो उसका एक बड़ा नाम स्टेटस हो जाता था। आप लोग समझते ही हैं कि साहब इसका यहाँ पर ताल्लुक और ये इतने बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन आज की जो पहल है वो बहुत बड़ी पहल है। वो पहल इसलिए है कि दिल्ली में सबसे टॉप हॉस्पिटल जो कहीं बन रहा है हिंदुस्तान में, बल्कि वो LNJP हॉस्पिटल में बन रहा है और इतनी बड़ी बिल्डिंग 5 स्टार से कम नहीं होगी, ये याद रखिए साथियों। और जिस तरह मैंने कहा कि जीबी पंत में लोग अपना इलाज कराने को ज़्यादा समझते थे, आज बड़े से बड़ा लोग, बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन होंगे दूसरे लोगों को सिफारिशें लगाएंगे दिल्ली से बाहर के, क्योंकि तो हमारे ऊपर जो लोड पड़ता है वो दिल्ली का पड़ता है, हरियाणा का पड़ता है, पंजाब का पड़ता है, जो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट है राजस्थान का पड़ता है, समझे, तो जितना हमारे एडजॉइनिंग स्टेट हैं वो होते हैं, एक लोड पड़ता है इसी हॉस्पिटल पर। लेकिन मुझे एक डर है कि इस हॉस्पिटल में जब से ये हमारा ये 1500 बेड का मेटरनरी और ये मेडिसन जो हॉस्पिटल खुलने जा रहा है उसके बाद और ज़बरदस्त लोड ना पड़ जाए इस हॉस्पिटल पे। लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार का एक विजन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक विजन है, आज वो कर दिखाया इन्होंने, मुबारकबाद के अपने मुस्तहिक हैं। मैं ये चाहूँगा इसी तरह से, अगरचे सब स्टेट्स इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं अपना देने लगे तो मुझे ये उम्मीद है कि दिल्ली में आने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं अपनी जानिब से आप तमाम हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, साथ में मुबारकबाद और खुशी की बात इसलिए कि जो दिल्ली की जनता है, पूरी दिल्ली की, हम नहीं कहते कि साहब आसपास की, पूरी दिल्ली की जनता को इस हॉस्पिटल से जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा, ना कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल है आप लोग जानते हैं, हम उनकी बुराई नहीं करते, लेकिन जो सत्ता में हैं वो लोग
जिस तरह से हॉस्पिटलों को चला रहे हैं, बाहर डिलीवरी और कस्तूरबा हॉस्पिटल भी मेरे यहाँ है, कॉर्पोरेशन का सबसे पुराना दिल्ली का, लेकिन वहाँ आप दोनों अपना आप सुनते रहते हैं कि साहब वहाँ पर के बाहर सीढ़ियों पे हो गया, रास्ते में हो गया, कोई लेते ही नहीं कोरोना के काल में। लेकिन ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है कि साहब दिल्ली में और यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बन रही है कि जो कि अपना वेटरनरी और मेडिसिन का यहाँ पर इसका जो इलाज होगा, इसके लिए एक बार फिर मैं अपनी जान से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली के हरदिल अजीज मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे साथी विधायक शोएब इकबाल जी, हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुरेश कुमार जी, सेक्रेटरी हेल्थ संदीप कुमार जी, इंजीनियर इन चीफ, बाकी सभी अधिकारीगण, सामने हमारे बहुत सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल्स, नर्सिस, भाई और बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हम LNJP हॉस्पिटल के अंदर 1500 बेड का सिंगल ब्लॉक, आप लोग अपने साइड में देखिएगा छोटी सी जगह जो नज़र आ रही है, नॉर्मली जिसके अंदर 50 बेड भी बनाना मुश्किल लगता है लोगों को, उतनी ही जगह में 1500 बेड बनाए जा रहे हैं। और ये देश की सबसे ऊंची हॉस्पिटल बिल्डिंग होगी, 22 मंजिल, 25 मंजिल है, 3 जमीन के नीचे और 22 जमीन के ऊपर, तो देश की सबसे ऊंची होगी बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट। मैं यह कह सकता हूं कि आप किसी को दिखाने के लिए ला सकते हो कि हाँ दिल्ली में सरकारी अस्पताल भी ऐसे होते हैं, पूरी एयर कंडीशनड होगी, खूब सारे OTs हैं और आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। अभी तक हॉस्पिटल में होता क्या है, एक सर्विस यहाँ पर है, टेस्ट दूसरा यहाँ पर है, MRI तीसरी जगह पर है, तो इसमें सिंगल बिल्डिंग के अंदर सब कुछ होगा, ICU भी होंगे, OTs भी होंगे, वार्ड्स भी होंगे, कंसल्टेशन भी होगा, एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ और एक ही बिल्डिंग के अंदर बना रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, उसकी ओर बढ़ने में मुझे लगता है LNJP हॉस्पिटल का ये बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और आशा करते हैं कि अगले 2 साल के अंदर, सिर्फ 2 साल के अंदर इस बिल्डिंग को बना के जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। कोरोना काल के अंदर हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने जो बहुत काबिले तारीफ काम किया है, उसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत बहुत खुशी का दिन है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का LNJP हॉस्पिटल में एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसमें 1500 बेड ऐड किए जा रहे हैं। अभी LNJP हॉस्पिटल में 2000 बेड ऑलरेडी हैं, ये 1500 बेड ऐड होने के बाद 3500 बेड हो जाएंगे, और अभी बताया जा रहा था कि इस वाले ब्लॉक में 300 बेड्स और ऐड किए जा रहे हैं, तो लगभग 2-2.5 साल के अंदर 3800 बेडेड हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल हो जाएगा, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स पूरे देश के अंदर होगा। और एक दो हॉस्पिटल्स हैं जो इससे बड़े हैं, लेकिन इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स। और जैसा अभी जैन साहब ने समझाया कि अभी LNJP हॉस्पिटल आप देखते हैं कि कितने सारे एरिया के अंदर फैला हुआ है, उस पूरे एरिया के अंदर टोटल 2000 बेड हैं, और इस छोटे से एरिया के अंदर 25 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग बन रही है, इसमें 1500 बेड होंगे, तो एक तरह से आर्किटेक्ट्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, और उसमें मॉड्यूलर डिज़ाइन है, जिससे कि उसमें डिज़ाइन में जब भी तब्दीली करनी हो, नई फैसिलिटीज़ ऐड करनी हो, वो की जा सकती है। उसमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे मॉडर्न मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो मुझे खुशी है कि दिल्ली के रहने वाले लोग देश की राजधानी में रहते हैं, तो देश की राजधानी में रहते हुए उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। दिल्ली दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं होना चाहिए। तो पिछले 5 साल में एक एक करके हम बहुत सारी नई नई सुविधाएं दिल्ली के अंदर ऐड करते जा रहे हैं, और उसी क्रम के अंदर अब ये LNJP हॉस्पिटल के अंदर एक तरह से बहुत ही मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट
ब्लॉक ऐड किया जा रहा है। इसमें खूब किफायत भी की जा रही है, आपको बेस्ट फैसिलिटीज मिलेंगी, सबसे बेस्ट दुनिया के सबसे बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, पूरा एयर कंडीशनड होगा और इसका खर्चा लगभग 30 लाख रुपए प्रति बेड है। मतलब एक बेड बनाने का खर्चा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, प्रति बेड खर्चा 1500 बेड है और 450 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो प्रति बेड खर्चा 30 लाख रुपए है। देश के अंदर इस वक्त सरकार में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, कहीं भी जो अस्पताल बन रहे हैं उसमें खर्चा 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए प्रति बेड आता है। और दिल्ली सरकार के अंदर जब हम मोस्ट मॉडर्न बेड बनाते हैं तो 30 लाख रुपए का खर्चा आता है। और हमारे हॉस्पिटल सेंट्रली एयर कंडीशन बनते हैं, और दूसरे जो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए प्रति बेड हॉस्पिटल बनते हैं उनमें शायद एयर कंडीशन और ऐसी सुविधाएं भी नहीं होती होंगे। तो ये बेसिकली ईमानदारी का कमाल है कि अगर ईमानदार सरकार हो तो पैसे की किफायत होती है, एक एक पैसा बचाया जाता है और वो एक एक पैसा जनता के काम आता है। इस कोरोना काल के अंदर भी एलएनजेपी हॉस्पिटल ने गजब का काम किया है। यहाँ सारे डॉक्टर्स नर्सेज हैं, आप लोगों को सलाम करता हूं मैं दिल्ली की जनता की तरफ से, देश की जनता की तरफ से। आपने बहुत मेहनत की, रात दिन सेवा की। इस सिलसिले में कुछ हमारे पैरामेडिक स्टाफ और कुछ डॉक्टर्स, उन्होंने, वो शहीद भी हो गए, उनकी शहादत को भी हम सलाम करते हैं। और दिल्ली सरकार शायद अकेली सरकार है पूरे देश के अंदर जिसने उनकी शहादत के सम्मान में हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की मरणोपरांत राशि भी दी। वैसे तो किसी की भी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन ये एक तरह से उनके परिवार को ये दिखाता है कि सारा देश आपका सम्मान करता है, सारा देश उनकी शहादत को नमन करता है। तो मैं आप सब लोगों को, जितने डॉक्टर्स और नर्सेज हैं उनको सलाम करता हूं। एलएनजेपी हॉस्पिटल ने जो इतना अच्छा काम किया कोरोना काल के अंदर उसको भी मैं सलाम करता हूं। अभी थोड़े दिन से पोल्यूशन बढ़ गया, इस पूरे साल में अपना दिल्ली का पोल्यूशन पिछले 3-4 साल से ठीक रहता है, लगभग जनवरी फरवरी से लेके सितंबर तक ठीक रहता है। उसके बाद ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पोल्यूशन बढ़ जाता है, वो पड़ोसी राज्यों से जो पराली का धुआं आता है उस वजह से पोल्यूशन बढ़ जाता है। लेकिन वो उसका भी इंतजाम करेंगे, सारी सरकारों के साथ मिलके करेंगे, केंद्र सरकार के, पंजाब हरियाणा सरकार के साथ। लेकिन अपने को अपना दिल्ली का धुआं इस टाइम कोशिश करनी है कि कम से कम रखें। बाहर वाले धुएं पे तो अपना कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपन मिलके दिल्ली का धुआं तो कम कर सकते हैं। तो उसमें कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं और एक अभियान जो चल रहा है, दिल्ली में सबसे ज्यादा धुआं अपना व्हीकल्स का होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है, कार का, गाड़ियों का, स्कूटर का। तो अभी अभियान चल रहा है कि रेड लाइट के ऊपर अगर रेड लाइट है और आप रुकते हो तो अपनी गाड़ी ऑफ कर लो। ऑन एन एवरेज देखा गया है कि एक आदमी जब अपने घर से निकलता है और शाम को घर लौटता है तो लगभग 15-20-25 मिनट वो रेड लाइट के ऊपर बिताता है, और इस दौरान अगर उसकी गाड़ी ऑन रहे तो इतना पोल्यूशन होता है उसी से। अगर हम उस टाइम अपनी गाड़ी ऑफ कर लें तो पोल्यूशन से भी निजात मिलेगी और तेल की भी बचत होगी, अपने घर के पैसे भी बचेंगे। तो एक ही है, तो आज सारे जने हम कसम खा के जाएं कि अब रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, इसका हिस्सा बनेंगे। और रेड लाइट पे खड़े हो और बगल वाले की गाड़ी चालू हो तो उसको भी शीशा नीचा करके कह देना, भाई साहब गाड़ी ऑफ कर लो, पोल्यूशन को कम करना है अपने को, सबको मिलके। तो फिर से मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना शानदार हॉस्पिटल, मैं देख रहा था इसमें कागजों में लिखा 30 महीने लगेंगे, लेकिन हमारे हेल्थ मिनिस्टर जैन साहब बता रहे हैं कि 2 साल में 24 महीने में ही कंप्लीट कर देंगे हम लोग, पर फिर भी हम 30 महीने मान के चलें। दिल्ली में अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं सारे प्रोजेक्ट्स टाइम के पहले खत्म हो रहे हैं और हर प्रोजेक्ट में पैसे बच रहे हैं। नहीं तो देखते थे कि जितने सरकारी प्रोजेक्ट होते थे 2 साल में काम पूरा होना हो
तो 10-10 साल लग जाते थे और उसमें 200 करोड़ का प्रोजेक्ट बनते बनते 1000 करोड़ का बन जाता था। पिछले 5 साल से दिल्ली में जितने सरकारी प्रोजेक्ट हैं टाइम से पहले पूरे हो रहे हैं और हर प्रोजेक्ट में पैसे बचा रहे हैं। तो आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। आज LHJP हॉस्पिटल में एक नया मेडिकल ब्लॉक शुरू किया जा रहा है, 25 फ्लोर का है, 2 बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर और 22 मंजिल ऊंचा ये हॉस्पिटल ब्लॉक होगा। इसमें 1500 बेड्स ऐड किए जा रहे हैं। LHJP हॉस्पिटल में मौजूदा 2000 बेड है, तो ये 1500 बेड होने के बाद 3500 बेड का हॉस्पिटल ये हो जाएगा, वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स। इसका खासियत ये है कि ये सेंट्रली एयर कंडीशनड होगा और इसमें ये मतलब इसमें दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज होंगी। बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर्स होंगे, ICU होंगे और बेस्ट इसके अंदर दुनिया की सबसे बेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला हॉस्पिटल ये होगा। और ये बहुत ही किफायती दाम में बनाया जा रहा है। अभी पूरे देश में जो भी सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, जब भी हॉस्पिटल बनते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है 1.25 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए पर बेड। ये वाला केवल 30 लाख रुपए पर बेड में ये हॉस्पिटल बन रहा है और सबसे अच्छा हॉस्पिटल बन रहा है। दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि ये ऐड होने के बाद दिल्ली के मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अच्छी हॉस्पिटल ये 30 महीने में बनके तैयार हो जाएगा। स्टाफ होगा सारा, सफिशिएंट होगा, 450 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक दिल्ली में हॉस्पिटल बनने जा रहा है, सबसे टॉप होगा। पुरानी दिल्ली का जो हमारा ये बाप था, जो मैं सालों से इसमें लगा हुआ था, ये जल्द से जल्द एक ऐसा बने हॉस्पिटल जो कि दिल्ली सरकार का है, ना कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। आज अल्लाह ने वो हमारा जो दिल्ली तमन्ना है वो आज पूरी करने का काम किया है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं इसमें। जिस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर बीमारी बढ़ रही हैं, परेशानियाँ लोगों को बढ़ रही हैं, आपने देखा कोरोना काल के अंदर आज दुनिया के तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर कितनी बड़ी परेशानियाँ देखने को हमको मिली। और ये मटिया महल विधानसभा के लिए, पुरानी दिल्ली के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 1500 बेड का एक 5 स्टार, आपने होटल तो सुना होगा 5 स्टार के अंदर, आपने रेस्टोरेंट सुने होंगे, 5 स्टार होटल सुने होंगे, लोग आज ये 7 स्टार अपने पार्टी के ऑफिस तक बना रहे हैं। मगर आज जिस तरीके से शोएब इकबाल साहब की सरपरस्ती में, दिल्ली के मुख्यमंत्री की सरपरस्ती के अंदर मटिया महल विधानसभा को 1500 बेड का एक 5 स्टार की तरह एक आलीशान हॉस्पिटल मिल रहा है जो फुल्ली एयर कंडीशन होता है, आप देखते हैं कि दिल्ली की सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर किस तरीके से हमको सीटी स्कैन कहीं कराना पड़ता था, MRI कहीं कराना पड़ता था, आपको एक्सरे कहीं कराना पड़ता था, तो तमाम सिस्टम आज एक ही 5 स्टार इस बिल्डिंग के अंदर होंगे जो 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे और मुकम्मल हो जाएंगे, और उसके बाद 2 साल के बाद ही दिल्ली की आवाम को और लोगों को, पुरानी दिल्ली की आवाम को दे दिया जाएगा।